इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि न्यू वैकेंसी के बारे में। ठीक है, बिहार में एक और न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है। बात करेंगे इसमें कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे या इसमें पद रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो चैनल में बन रहा है, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह से डेली अपडेट देखने के लिए। जैसा कि देख रहे हैं, पेपर कटिंग के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, ठीक है, कि अब सर डेयरी में 140 पदों पर होगी नियुक्ति। ठीक है, मानो डेयरी के अंतर्गत आपको 140 जो है ना 140 पद पर आपको आपको नियुक्ति होने वाली है। अब यहाँ पे बात करें कि 140 पद में कौन कौन सा पद यहाँ पे कौन कौन सा पद रहने वाला है। यहाँ पर नीचे जो देखिए बताया गया है कि इन पदों पर बहाली, ठीक है, पद नाम और कुल पद। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेयरी फील्ड ऑफिसर का है, जो कि टोटल पोस्ट आपको 30 टोटल आपको 30 पद यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, पशुधन सहायक के लिए 29 पद रहने वाला है। निम्न वर्गीय लिपिक जो LDC बोलते हैं 15 पद रहने वाला है। चालक यानी ड्राइवर के लिए 17 पद रहने वाला है। कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट का 52 पद यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो टोटल जो है ना आपको 140 पद यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ये सभी पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है आने वाली है। ठीक है, ये जो है पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया है। और भी यहाँ पर देखिए विस्तार से दिया गया है, डेयरी फील्ड ऑफिसर व लिपिक पद के लिए लिखित परीक्षा के बाद अंतिम रूप से अभ्यर्थी का चयन होगा। ठीक है, यानी इसमें जो है ना लिखित परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी पदों के लिए विस्तार से बताया गया है और कौन कौन सा पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो जो बताया गया है कि डेयरी फील्ड ऑफिसर के लिए उनको स्नातक पास होना चाहिए, वही निम्न वर्गीय लिपिक के लिए इंटरमीडिएट मांगा गया है और चालक और कार्यालय परिचारी के लिए यहाँ पे मैट्रिक पास मांगा गया है। ठीक है, ये सभी आपको पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया है। ठीक, इसका जैसी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आता है, जैसा कि देख रहे हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जैसी वेबसाइट पे इसका कोई नोटिस वगैरह आपको आता है तो आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। जब तक मेरे चैनल बंद रहिए, और जो लोग इस सभी पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट हो गया, ये सभी है ना डॉक्यूमेंट रखेंगे। अपना जाति हो गया, आवासीय हो गया, जो कैंडिडेट OBC से आते हैं तो वो लोग यहाँ पर NCL सर्टिफिकेट बनवाएंगे। ठीक है, ये सभी आपको डॉक्यूमेंट बनाकर आपको रखें। ठीक है, ताकि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जारी होता है, ठीक है, तो इसके अपडेट मिल जाएगा। जब तक मेरे चैनल में बंद रहें,